कार्तिक शुक्ल आठम एटले गोपा अष्टमी शुभ पर्व उजवाय छे त्यारे कामरेज खाते आवेल श्री सोमुलाई हनुमान गौशाला मा आ गोपा अष्टमी नी उजवणी करवामां आवी हती। कार्तिक शुक्ल आठम एटले गोपा अष्टमी शुभ पर्व मनावामां आवे छे त्यारे कामरेज खाते आवेल गाय पगलानी पासे श्री सोमुलाई हनुमान गौशाला मा आ उजवणी करवामां आवी हती। तेमज गौ पूजन अने दर्शनना कार्यक्रम योजावामां आव्या हता। श्री गौ सेवा समितिना अध्यक्ष अरुण पाटोदिया जणाव्युं हतुं के તેઓ પ્રતિ વર્ષ આ ઉત્સવ ઉજવતા હોય છે, પરંતુ આ વર્ષે આ ઉત્સવમાં કોવિડ-19ની ગાઈડલાઈનનું પણ ચુસ્તપણે પાલન કરવામાં આવ્યું હતું। ગૌ ભક્તોને સેનેટાઈઝર કરીને અંદર પ્રવેશ કરવામાં આવ્યા હતા। આ ઉત્સવની અંદર કાપડના ઉદ્યોગપતિ તેમજ મહાનુભાવો પોતાના પરિવારો સાથે ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। આ કાર્યક્રમ અગ્રવાલ સમાજના અગ્રણીઓના નેજા હેઠળ યોજાવામાં આવ્યું હતું। વધુ માહિતી અરુણ પાટોદિયા અને કૈલાશ અગ્રવાલે એબી ન્યૂઝ ચેનલને આપી હતી। મેરા નામ અરુણ પાટોદિયા હૈ। મેં ગૌ સેવા સમિતિ સંચાલિત શ્રી સોમલાઈ હનુમાન ગૌશાલા મેં આજ ગોપાષ્ટમી કે પાવન પર્વ પર એક વિશેષ આયોજન રખા ગયા હતા। ગોપાષ્ટમી ક્યો મનાઈ જતી હૈ? હિન્દુ ધર્મ કા એ સબસે બડા પવિત્ર ત્યોહાર હૈ, ક્યોંકિ આદિ અનાદિકાલ મેં ઇસકે બારે મેં મેં આપકે ચેનલ કે માધ્યમ સે એક બાત બતાના ચાહુંગા કિ जब गोवर्धन पर्वत पे इंद्र देवता ने अभिमान करके 7 दिन तक कंटिन्यू बारिश करवाई तो ग्वाले को और गायों को त्राही त्राही मच गई थी। तब कृष्ण भगवान ने उस इंद्र देवता ये कह रहे थे कि मेरी पूजा होनी चाहिए, और ये बात कृष्ण भगवान को जब पता चली कि गोवर्धन के इंद्र भगवान की क्या है कि अभिमान जाग चुका है, तो उन्होंने अपनी तर्जनी अंगुली पे और क्या है 7 दिन बाद में गोवर्धन पर्वत को उठा के ग्वालों की और गौ की रक्षा की। उसी दिन से आज ये गोपाष्टमी का पर्व मनाया जाता है। गोवर्धन भगवान की मर्यादा की पूजा की जाती है, कृष्ण भगवान गायों की पूजा की जाती है, ग्वालों की पूजा की जाती है। इस प्रकार से कार्यक्रम रखा गया था, किसके द्वारा? आज हमारे अग्रवाल समाज के अग्रणियों द्वारा ये संतोष जी सरावगी, ब्रजमोहन अग्रवाल, अशोक जी बनारसी, राकेश जी कंसल और बालकिशन जी अग्रवाल, इन सबके द्वारा इत्यादि लोगों के द्वारा ये फंक्शन किया गया था। उसमें हम क्या 7-8 लोगों के द्वारा गायक को गोपा गलापसी बनाई गई थी। हमारे यहाँ पर 852 पशुधन हैं, पशु हैं, गौमाता हैं, मतलब पशुधन गौमाता हैं, गौमाताएँ हैं, उनकी सेवा होती है, निरंतर सेवा हो रही है। आप देखे ही हैं, आपने सब देखा था, सूरज जी भजन गाए थे और अब खूब अच्छे से ये गोपाष्टमी मनाई। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और कहना चाहूँगा कि गाय माता के लिए ये आने वाले समय क्रांति होगी। एक बहुत बच्ची लोगों में जागृति आई है, लोग ये गाय माता को समझने लग गए हैं, गौमूत्र के बारे में, गोबर के बारे में सब जानकारी हुई है। अभी जो दीपक बने थे और उसके अलावा भी गोबर की मूर्तियां बनी थी लक्ष्मी जी की, और क्या है कि गाय को किस प्रकार से, गाय पहले क्या है कि गाय कोई किसी को अवेयर करने नहीं आती थी, तो पहले तो क्या है अपने गाय को गोबर पे, गोबर से घर का चौका लगाते थे, दीवार पे लेप करते थे, उससे शुद्ध होता था, या किसी की मृत्यु हो जाती थी तो होती तो उसके पहले भी लेप लगाया जाता है गाय गोबर का। पर बीच में थोड़ा सा समय पहले ये सब बातें विलुप्त होती जा रही थी पाश्चात्य संस्कृति का, और क्या है कि चलन होता जा रहा था। पर अभी पिछले 5-4 साल से इसमें क्या है सुधार हुआ है, गाय माता ने अपना महत्व बताया है, और क्या है कि खूब अच्छी रिस्पॉन्स यहाँ पर देखने को मिल रही है सूरत शहर में। कैलाश अग्रवाल, कैलाश जी आज क्या कार्यक्रम रखा था? ये कार्यक्रम आज हमारी सोमलाई हनुमान गौशाला कामरेज में रखा गया था। गोपाष्टमी का पावन पर्व है और इस गोपाष्टमी के दिन अपने हिंदू धर्म में इसका बहुत बड़ा महत्व है। गाय की पूजा का भी इस दिन बड़ा महत्व है। इसी कार्यक्रम को देखते हुए हमने अग्रवाल समाज के अग्रणी द्वारा ये प्रोग्राम यहाँ पे रखा गया था, और इसमें सूरत शहर के बहुत सारे गौ भक्त यहाँ पे आज पधारे थे और सुंदर कार्यक्रम यहाँ पे आज संपन्न हुआ। यहाँ पे कितने साल से कार्यक्रम रखने में आ रहा है? ये पिछले 20 वर्षों से गौशाला चल रही है और निरंतर ये महीने की महीने पहले प्रोग्राम होता था, लेकिन कोविड की वजह से ये इस बार 8 महीने बाद ये कार्यक्रम हुआ है।